10 दिसंबर को आता है विद्युत जामवाल का बर्थडे और उनके बर्थडे के मौके पर मना रहे हैं वो ढेर सारी खुशियां क्योंकि उनकी हालिया रिलीज हुई फिल्म कमांडो 3 हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है और फैंस के लिए फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। भले ही ब्लॉकबस्टर एक्चुअल में बनने के लिए इस फिल्म की अभी कमाई इतनी पार नहीं हो पाई हो, लेकिन फिल्म की कमाई धीमे धीमे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और काफी अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स भी आ रहा है फैंस की ओर से कमांडो 3 का। हर एक एक्शन को विद्युत जामवाल के पसंद किया जा रहा है। फिल्म 4 से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले विद्युत जामवाल एक बार ढेर सारी कंट्रोवर्सी अपने नाम खड़े करते हुए सामने आ चुके हैं जब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मोना सिंह से कर लिया था ब्रेकअप। जी हाँ, वही मोना सिंह जिन्हें पहचान हासिल हुई जैसी जैसी कोई नहीं नाम से सीरियल से। और मोना सिंह बेहद ही खूबसूरत है दिखने में, जहां पर किसी को इस बात पर यकीन होता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आज सिंगल है तो वही सिंगल है विद्युत जामवाल भी। ये दोनों ही यहाँ रह चुके हैं एक वक्त पर रिलेशनशिप में भी। इनका रिलेशनशिप इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि दोनों शादी की प्लानिंग भी कर चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो गया मोना सिंह के साथ कि यहाँ विद्युत जामवाल के साथ उनका रिश्ता टूट गया और विद्युत जामवाल ने दूरियां बना ली मोना सिंह से सिर्फ एक MMS की वजह से। यूं तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और टीवी एक्ट्रेसेस के तमाम MMS देखे जाते हैं, लेकिन वो सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा फेक निकलते हैं, लेकिन मोना सिंह का MMS फेक नहीं बल्कि रियल था, जिसमें उन्हें चलते हुए भी देखा गया, बात करते हुए भी देखा गया और उनके फेस को क्लियरली यहाँ पर उस MMS में, उस वीडियो में दिखाया गया था, जिसमें मोना सिंह बिना कपड़ों के दिखाई दे रही थी और इसमें वो खूब मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। जिस वजह से कहा गया कि जब ये वीडियो बन रही थी, जो शख्स ये वीडियो बना रहा था वो कोई और शख्स ही था। विद्युत जामवाल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि मोना सिंह आखिर ये हरकत कैसे कर सकती है। मोना सिंह की इस हरकत के बाद से उनकी वीडियो वायरल हो जाने की वजह से, इसका MMS बन जाने की वजह से विद्युत जामवाल ने मोना सिंह से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दिया और इस बात को कई साल बीत चुके हैं, जिस बीच ना विद्युत जामवाल के ना ही मोना सिंह के किसी रिलेशनशिप में होने की खबर सामने आई। लेकिन हाँ, कुछ ही महीनों पहले मोना सिंह को लेकर ये जरूर सुना गया कि वो शादी के लिए अब तैयार हो चुकी है, जल्द से जल्द वो शादी करेंगी भी, लेकिन ये बात डिस्क्लोज अभी भी नहीं हो पाई कि अगर उन्होंने शादी का फैसला वाकई में ले लिया है तो वो आखिर शख्स कौन है जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने जा रही हैं। वेल दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस रिपोर्ट को लेकर? और हाँ, ये कमेंट करने के साथ साथ आप विद्युत जामवाल की फिल्म कमांडो 3 को लेकर जो कहना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा और विद्युत को अपनी ओर से बर्थडे विशेस देना भी बिल्कुल मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।